Congratulations, Priya Soni, for securing 96.6% in 12th CBSE Board 2020 with excellent marks in chemistry. I am proud of you. All the best for your future. May you soar to the sky. Students, welcome in chemistry शिक्षा class. आज हम जो study करेंगे उस topic का नाम है diazonium salt. एक बहुत ही important topic student organic का, जो किसी भी type की conversion के अंदर बहुत important role play कर रहा है. तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा. तो ये almost organic के हर chapter के अंदर इसकी reactions मिलेगी. तो अपन overall diazonium salts की कितनी reactions है उसको कंक्लूड कर रहे हैं एक टॉपिक के साथ में. ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये समझे कि टॉपिक हेडिंग का मीन क्या है. तो डाई मींस टू, और एचओ वर्ड इंडिकेट कर रहा है दैट इज फॉर नाइट्रोजन. तो एजा वर्ड जो होगा वो नाइट्रोजन के लिए होता है, और डाई मींस टू, यानी कि इस तरह का कोई फंक्शनल ग्रुप अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको अपन डाया एजो फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं. अब चूंकि डाया एजोनियम, एजोनियम वर्ड जो आता है ये आगे फ्यूचर में प्लस को इंडिकेट करेगा, और सॉल्ट मींस इट फॉर्म प्लस माइनस चार्ज विद क्लोराइड सल्फेट्स एटसेट्रा और एनी हैलोजन्स. ओके, तो अब इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं ये फंक्शनल ग्रुप किस तरह के सॉल्ट फॉर्मेशन दे सकता है. तो डायजोनियम सॉल्ट्स की दो मेजर कैटेगरीज होती है, जिसमें से एक आपका होगा एलिफैटिक डाया एजोनियम सॉल्ट, और सेकेंड वन होगा स्टूडेंट्स जिसको अपन बोलेंगे एरोमेटिक डाया एजोनियम सॉल्ट. ये दो पार्ट रहेंगे. एलिफैटिक में स्टूडेंट्स हम R लेंगे और उसके साथ में N2+Cl- लिख सकते हैं, यानी कि क्लोराइड के साथ में, या आप इसको सल्फेट के साथ H2SO4 के साथ में भी हाइड्रोजन को रिलीज करके HSO4-. तो ये आपका डायजोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड, ये आपका डाया एजो. टू नाइट्रोजन है तो टू डाया, एंड एज वर्ड नाइट्रोजन के तो डाया एज, ओनियम मींस प्लस और सॉल्ट मींस माइनस के साथ में सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी. और यहाँ पे आर जो होगा वो एल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल. तो ये कहलाता है एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट. दूसरी साइड में एरोमेटिक, तो एरोमेटिक में जैसे आपने बेंजीन लिया और बेंजीन के ऊपर N2+ और Cl-, और अगर आप इसको H2SO4 के साथ में सॉल्ट बनाएंगे तो ये बन जाएगा N2+HSO4-. अब इसको कैसे बोलेंगे, तो ये आपका कहलाएगा बेंजीन. ठीक है, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर कितनी नाइट्रोजन, दो, तो डाया एजो, और प्लस को क्या बोलेंगे, ईएम डाया एजोनियम, और लास्ट में क्लोराइड. तो नाम पड़ गया बेंजीन डाया एजोनियम क्लोराइड. इसी तरह से इसमें जब लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, बेंजीन डाया एजोनियम और हाइड्रोजन सल्फेट. ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे. तो ये आपके एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स हो गए. अब स्टूडेंट्स यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखने की है वो है इनकी स्टेबिलिटी. ठीक है, स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जितने भी एलिफेटिक होते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इनकी आपको मोस्टली कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होते हैं. और इसका रीजन देंगे अब्सेंस ऑफ रेजोनेंस की वजह से अनस्टेबल नहीं होती रेजोनेंस इनके पास में. सो दे आर नॉट हैविंग टू मच लाइफ, इसीलिए ये हाईली अनस्टेबल होते हैं. तो मोस्टली आपको ऑर्गेनिक के अंदर स्टूडेंट्स जो रिएक्शंस मिलेगी वो एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स की ही मिलेगी, और ये भी बिल्कुल लो टेम्परेचर पे. तो यहां पे देखिए इसके जो एग्जिस्टेंस है वो आपकी ये पर्टिकुलर भी ओनली, ये टेम्परेचर याद रखिएगा 0 to 5 degrees Celsius के बीच में ही स्टेबल होती है. इवन दीज स्पीसीज आर हैविंग रेजोनेंस. तो एक तो इनकी स्टेबल, तो जितने भी एरोमेटिक होते हैं ये स्टेबल डायजोनियम सॉल्ट्स होते हैं, लेकिन वो भी लो टेम्परेचर पे, जो टेम्परेचर मैंने मेंशन किया है कितना, 0 to 5 degrees Celsius. केल्विन में लिखेंगे तो आपका
273 और इधर वापस 5 ऐड कर दीजिए तो 278 केल्विन हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपको पूछेंगे कि एरोमेटिक स्टेबल क्यों है, तो उसकी रीजन आप देंगे बच्चों प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस की प्रेजेंस में। अगर हम इसकी रेजोनेंस देखें तो यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसकी पर्टिकुलर डायजोनियम की, तो अगर वाटर सोल्यूबल फॉर्म में या किसी भी सॉल्वेंट पे देखें तो क्लोराइड को डिसोसिएट हो जाएगा तो आपका जो स्ट्रक्चर दिखेगा स्टूडेंट्स वो ऐसा है इसका लोन पेयर। अब देखो इस नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 3 है तो इसका लोन पेयर 3 है और इस नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गई और ये बेंजीन के आपके पाई बॉन्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब इसको रेजोनेंस में देखिए तो ये रेजोनेंस एरो, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टूवर्ड्स नाइट्रोजन, ओके सो दिस गेट माइनस, तो इस नाइट्रोजन पे आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स एन माइनस और इस पे क्या रहेगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अवे फ्रॉम बेंजीन रिंग लेगी तो ये पॉजिटिव चार्ज आपका ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा, यानी कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारे पास होगा स्टूडेंट्स वो एन, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा एन माइनस और ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर ये डिस्प्लेसिंग होती रहेगी, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो उसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज होगा वो पैरा पोजिशन पे चला जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से नेक्स्ट में जब आप लेंगे तो लास्टली आपका वापस से ऑर्थो पे आ जाएगा और ये वापस से फाइनल अपनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स के ऊपर एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और फाइनली वापस जब ये पॉजिटिव चार्ज तो ये पाई बॉन्ड अंदर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये सारी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है जो इस बात का प्रूफ है कि एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स आर स्टेबल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, जबकि एलिफेटिक जो हमारे डायजोनियम सॉल्ट बनते हैं लेकिन इनकी लाइफ बहुत कम होती है क्योंकि इनके पास रेजोनेंस की अब्सेंस ही होती है। ठीक है, और उसके बाद जहां जहां आपकी नाइट्रोजन है वहां पे सारे पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर जाएंगे तो ये आपकी टोटल जो फॉर्म हो गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगी, ओरिजिनल में ये वापस यहाँ पे मूव कर जाएगा इस जगह पे और ये पॉजिटिव वापस समराइज हो जाएगा। ओके, अब अपन इसके अंदर नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स बात करें वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन डायजोनियम सॉल्ट्स को। अब अपन एरोमेटिक कंसिडर करेंगे एज पर स्टेबिलिटी और फॉर केमिकल रिएक्शन, तो अपन बनाएंगे कैसे, तो याद रखिए स्टूडेंट्स पूरी ऑर्गेनिक के अंदर एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट अगर कोई बना सकता है तो वो सिर्फ एंड सिर्फ आपकी एनिलीन होगी, परमानेंट याद कर लीजिए एनिलीन या बेंजामाइन, एनिलीन इसका कॉमन नेम है और ये बेंजामाइन हो जाएगी। ठीक है, इसका कैटलिस्ट यानी कि जो रिएजेंट काम आ रहे हैं स्टूडेंट्स ये पक्का याद रखे, इसको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि आंसर क्या आने वाला है, तो इसमें परमानेंट याद रखिए इसका जो आपका रिएजेंट है वो है NaNO2 सोडियम नाइट्राइट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उससे भी ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है टेम्परेचर, पूरी ऑर्गेनिक में सबसे हाईलाइट टेम्परेचर ये वाला होता 0 to 5 डिग्री सेल्सियस केल्विन में, वही 273 ऐड कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसमें स्टूडेंट दोनों रिएजेंट आपस में रिएक्ट करके इसमें से NaCl आउट हो जाएगा और एक आपको एसिड मिलेगा जिसको बोलेंगे नाइट्रस एसिड, क्या बोलेंगे इसको नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड को स्टूडेंट्स यहां पे आप स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखेंगे HONO, ये नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्म होनो HONO। ठीक है, और 1 मोल एक्स्ट्रा लेंगे एक्सेस में HCl। अब आप इसमें सारे वाटर मॉइटीज आउट कर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन सारी आउट कर दीजिए, तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से रिमेन क्या बचा इसमें से, एक तो नाइट्रोजन ये वाली रिमेन्स रह गई, एक नाइट्रोजन ये वाली, तो ये N2 हो गया और ये आपकी Cl, तो फाइनल आंसर क्या आया हमारे पास में बेंजीन और बेंजीन के साथ में N2Cl+-, तो ये आपका हो गया बेंजीन। ठीक है, जैसा आपने पहले नॉमिन बेंजीन, डाया मींस 2, एज मींस नाइट्रोजन, ओनियम मींस प्लस चार्ज,
एंड क्लोराइड विद सॉल्ट, तो बेंजीन डाया एजोनियम क्लोराइड, शॉर्ट में इसको हमेशा DAS डास यानी कि डाया एजोनियम सॉल्ट बोलेंगे। अब अपन इसके अंदर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शंस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट जैसे कि लो टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। मोस्ट ऑफ डायजोनियम रिएक्शंस के अंदर स्टूडेंट्स हमेशा नाइट्रोजन गैस निकलेगी एक्सेप्ट कपलिंग रिएक्शन, इसीलिए ये इसमें ट्रिक है, याद रखिएगा N2 को इसमें से डिकम्पोज करा दीजिए गिवन टेम्परेचर पे और Cl- आपका बाई प्रोडक्ट में चला जाएगा और वहां जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस पे अटैच हो जाएगा। देखिए इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती है, जैसे सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने नाम सुना हो वेरी फेमस दैट इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन, साइंटिफिक नेम बोर्ड की, इसके तो सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सैंडमेयर, सैंडमैन ने कौन सा कैटलिस्ट काम में लिया था, CuX है ना, X की वैल्यू ClBr, कोई भी हो सकती है। अब अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनानी है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए और अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनानी है तो HBr, और ये X इस रेस्पेक्ट में Cl हो जाएगा, इस रेस्पेक्ट में Br हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आपकी क्लोरोबेंजीन और HBr के केस में आपका जो आंसर आएगा वो ब्रोमोबेंजीन। ओके, तो इसमें देखिए ये कैटलिस्ट कहलाएगा Q+ एलाइड, तो यहां से N2 डिकम्पोज हो जाएगा, Cl बाई प्रोडक्ट में चला जाएगा और हमें यहां से जो मिलेगा स्टूडेंट्स ये Cl- बेंजीन पे और ये Br- और H+ आपका उस बाई प्रोडक्ट के साथ में निकल जाएगा। तो ये हमारे पास में सोर्सेस हो गए Cl- Br, तो हेलोएरिंग्स फॉर्म हो गई। अब इसी रिएक्शन में स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, अगर आप इस रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट कॉपर पाउडर ले लेते हैं S4 सॉलिड, तो इसी रिएक्शंस का नाम पड़ जाएगा स्टूडेंट्स गटरमैन रिएक्शन। ठीक है, तो गटरमैन रिएक्शन के नाम से जानी जाएगी, याद रखिए दोनों रिएक्शन में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ कैटलिस्ट का फर्क है। अगर Q+ एलाइड है तो उसको सैंडमेयर बोलेंगे और अगर Q कॉपर पाउडर है तो उसको गटरमैन रिएक्शन बोलेंगे, आंसर सेम रहेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट में स्टूडेंट्स एक और वेरी फेमस रिएक्शन जिसका नाम है बाल्समेंस रिएक्शन, याद करिए बाल्समेंस रिएक्शन, तो बाल से आपको याद रह जाएगा बालक छोटा और हैलोजन में सबसे छोटा कौन होता है फ्लोरो, तो याद रखिएगा ये रिएक्शन फ्लोरो के लिए है यानी कि फ्लोरो बेंजीन बनेगा। अब रिएक्शन देखिए कैसे होगा स्टूडेंट्स, तो यहां से हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट होगा और यहां पे इसको बनाने के लिए जो हम रिएजेंट काम में लेंगे वो HBF4, ठीक है, फ्लोरोबोरिक एसिड हो जाएगा, तो ये HBF4 रिएजेंट काम में, याद रखिएगा ये रिएजेंट वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इससे रिएक्ट करेगा तो पहले ये आयोनाइज्ड फॉर्म में ऐसे आ जाएगा, ठीक है, टेट्राफ्लोरोबोरेट, और ये HCl और H इसके साथ आउट होके कॉम्प्लेक्स बन जाएगा पहले, और इस कॉम्प्लेक्स को अपन बोलेंगे N2+ और BF4-, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स को आप कंटिन्यू हीट करेंगे स्टूडेंट्स तो इसमें से डिकम्पोज होके नाइट्रोजन गैस और BF3 N2 निकल जाएगा, BF3 एक फ्लोरो रिमेन्स जो बचेगा स्टूडेंट्स वो आपको दे देगा फ्लोरोबेंजीन। तो याद रखिए बाल्समेंस रिएक्शन किसमें यूज हुई, किसमें यूज हुई फ्लोरोबेंजीन के सिंथेसिस में। अब अगर इसी रिएक्शंस को आप स्टूडेंट्स एक्वस KI से करा देते हैं पोटेशियम आयोडाइड, तो वही KCl निकल जाएगा आपका, N2 आउट हो जाएगी और आयोडीन प्लेस हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स आयोडोबेंजीन। तो एक तरह से अपन ने जो 1, 2, 3 रिएक्शन डिस्कस की है इनको अपन ये भी कह सकते हैं सिंथेसिस ऑफ हेलोएरिंस। तो ये सारी की सारी रिएक्शन जितनी भी है स्टूडेंट ये सारी क्या कहलाती है, सिंथेसिस ऑफ हेलोएरिंस, हेलोएरिंस फ्रॉम
डायाजोनियम सॉल्ट। तो जितना भी हेलो एरिंग्स का सिंथेसिस होता है वो डायाजोनियम सॉल्ट से होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जेई नीट के लिए, जिसमें आप फोर रिएजेंट पहले याद कर लीजिए परमानेंट, कि इनके न्यूक्लियोफाइल्स क्या बनेंगे, और इसी को अपन को सब्स्टिट्यूट करना है डायाजोनियम सॉल्ट पे। और ये परमानेंट याद रखिए, जैसे एक तो आपके पास में KCN जब भी हो और एक AgCN की कोई रिएक्शन आ जाए, और स्टूडेंट्स KNO2 और पोटेशियम नाइट्राइट और एक आपके पास में AgNO2, ये फोर रिएजेंट कभी भी आते हो तो उस केस का न्यूक्लियोफाइल परमानेंट याद, ये आयोनिक फॉर्म होती है, यानी कि आयोनिक बॉन्ड नेचर होने की वजह से ये आपको साइनाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल देगा, और AgCN में कोवेलेंट नेचर होने की वजह से इसके लॉन पैड से अटैक होता है, इसीलिए इसमें स्टूडेंट्स हमेशा आंसर आइसोसाइनाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा। अब इसके अपोजिट में रीजन वही रहेंगे, लेकिन आपको ट्रिक है याद रखने की, इसमें साइनाइड स्ट्रेट है तो इसको रिवर्स करने की, इसका जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वो नाइट्राइट फॉर्म बनेगी। AgNO2 में रिवर्स है तो ये सीधा ही रहेगा NO2, तो ये आपके पास में टोटल न्यूक्लियोफाइल्स रेडी हो गए। स्टूडेंट्स इसको परमानेंट याद कर लीजिए, जो मैंने रेड इंक में लिखा है ये हमेशा सब्स्टिट्यूट होंगे रिएक्शंस में। अब देखो इनको अप्लाई करके देखें अपन, अगर मेरे पास में डायाजोनियम सॉल्ट है और आपसे पूछा जाता है योर डायाजोनियम सॉल्ट इज रिएक्ट विद, मान लीजिए एक्वस KCN से रिएक्ट कर रहा है, देन व्हाट विल आंसर, AgCN से रिएक्ट कर रहा हो या KNO2 से रिएक्ट कर रहा हो और या आपके पास में AgNO2, तो एग्जाम में ज्यादा नहीं सोचना है स्टूडेंट, ये मैंने आपको एक्सेप्शन केस रीजन आयोनिक बॉन्डिंग्स और कोवेलेंट बॉन्डिंग रीजंस याद रखनी है, और इसी रीजन के बेसिस पे इनके न्यूक्लियोफाइल जैसे ही आप हीट करेंगे तो एज यूजुअल इसमें से हमेशा नाइट्रोजन गैस आउट हो जाएगी और जो Cl- होगा वो पॉजिटिव पार्ट के साथ में एज ए बाई प्रोडक्ट आपका एस्केप हो जाएगा, पीछे बचेगा न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल में ये प्रोसीजर ध्यान रखना है, यानी कि जब भी KCN आता तो आंसर हमेशा साइनोबेंजीन होगा, ये परमानेंट याद रखिए। इसी तरह से जब AgCN आए तो आंसर बच्चों NC, यानी कि बेंजीन आइसोसाइनाइड भी, और एक बार जेई में आया तो उन्होंने पूछ लिया बेंजीन कार्बाइलामाइन भी बोलते हैं इसको, तो ऑप्शन में बेंजीन कार्बाइलामाइन था, कार्बाइलामाइन फॉर NC। इसी तरह से पोटेशियम के साथ में होगा तो बेंजीन ONO बनेगा, यानी कि नाइट्राइट फॉर्म। और लास्ट वाली फिर से इंपॉर्टेंट, आपको जब भी नाइट्रोबेंजीन का सिंथेसिस करना हो तो डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आप किससे करा देंगे, नाइट्रो कंपाउंड AgNO2 से, तो ये आपकी नाइट्रोबेंजीन आ जाएगी। ये तो बेंजीन नाइट्राइट हो जाएगा ONO, और ये हो जाएगी आपकी नाइट्रोबेंजीन। ओके, अगली रिएक्शन स्टूडेंट्स, डायजोनियम सॉल्ट से बेंजीन कैसे सिंथेसाइज करें, कन्वर्जन में अगर आता है हाउ विल यू सिंथेसाइज बेंजीन फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, तो ये आपके पास डायजोनियम सॉल्ट, एक कैटलिस्ट याद रखना है स्टूडेंट्स H3PO2। सोचिए जल्दी से क्या बोलेंगे H3PO2 को, कि H3PO2 क्या बोलेंगे स्टूडेंट, जल्दी सोचो, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, क्या बोलेंगे, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स, और इसका जब वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शंस कराएंगे तो आंसर जो ये डिकम्पोज एज यूजुअल जैसे डिकम्पोज होता है, और एक ऑक्सीजन वाटर की आपकी इसके साथ चली जाएगी H3PO3, दो H रिमेन्स रहेंगे, एक HCl के साथ एक रिमेन H आपको बेंजीन को सैचुरेट कर देगा, तो ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स बेंजीन। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट कन्वर्जन याद रखिए स्टूडेंट्स,
अगर आपको डायजोनियम सॉल्ट से बाल सीमेंट से होते हुए नाइट्रोबेंजीन बनानी हो तो कैसे बनाएं? तो सबसे पहले आपका डायजोनियम सॉल्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अपन फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4 से कराएंगे, तो जैसा कि कॉम्प्लेक्स बनता है पहले तो H प्लस आउट हो जाएगा, एसिड है तो HCl निकल जाएगा इसमें से, H एंड Cl, और नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगी N2BF4, ये टेट्राफ्लोराइड फॉर्म आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स अगर यहां से डायरेक्ट सिर्फ हीट करते हैं आप, तब तो उसका आंसर हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन, ये तो अपन ने पढ़ाई था बाल सीमेंट्स में। लेकिन अगर यहां से बच्चों एक और रिएजेंट NaNO2 सोडियम नाइट्राइट ले लेते हैं बच्चों, तो उसी में हीटिंग में आपकी N2 निकल जाएगी, BF3 निकल जाएगा, NaF निकल जाएगा, और फाइनल आंसर बच्चों आपको जो मिलेगा वो क्या होगी, नाइट्रोबेंजीन। तो हीटिंग में ये निकल गया, ठीक है, यहाँ NO2 हो गया बच्चों, ठीक है, BF3, एक आपका NaF और बाकी आपका NO2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को कन्वर्जन में याद रखिएगा, नाइट्रोबेंजीन ऑब्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फ्यूचर में फिर आप अमाइन से होते हुए बहुत सारे प्रोडक्शंस कन्वर्जन कर सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब हम डायजोनियम सॉल्ट का बी पार्ट देखते हैं, जिसमें जैसे अभी तक आपने जितनी भी रिएक्शंस देखी उसमें N2 एज ए डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में निकला, लेकिन अब जो रिएक्शन है इसमें रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायाएजो, यानी हमारा N डबल बॉन्ड N, ये डायाएजो ग्रुप जो है वो एज इट इज प्रोडक्ट में कैरी करना चाहिए, तभी अपन इसको रिटेंशन ऑफ डायाएजो ग्रुप बोलेंगे। और इस रिएक्शन का जो नाम होगा स्टूडेंट्स, दैट इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि कपलिंग रिएक्शन डायाएजो ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी है, इसीलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा कपलिंग रिएक्शंस। अब देखिए कैसे होगी कपलिंग रिएक्शंस, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स डायजोनियम सॉल्ट को लेंगे, डायजोनियम सॉल्ट में आप नाइट्रोजन को इस तरह से लिख दीजिए कोवेलेंट फॉर्म में, ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसकी एक बार आपको जो रिएक्शन करानी बच्चों वो फिनॉल से करानी है, किससे कराएंगे, फिनॉल से, और फिनॉल की पैरा पोजीशन से, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा वो बेसिक मीडियम इसमें रिएक्शंस कराएंगे, तो इसमें ये आपका H+ और Cl- आउट हो जाएगा, और उसके बाद दोनों को कंपाइल करिए, कंपाइल करते ही आपके पास आंसर जो आएगा वो N डबल बॉन्ड N, ठीक है, ये और पैरा पोजीशन पे आपकी OH। अब देखिए स्टूडेंट्स एक कंपाउंड का नाम आप याद रखिएगा, इसके अंदर वन कंपाउंड यहां लिख रहा हूं मैं, जब डायाएजो ग्रुप के दोनों साइड में बेंजीन आती हो, दोनों साइड में, तो इसको बोलते हैं डाया, में दोनों डाया है और एज मतलब नाइट्रोजन हो गया आपका डाया एजो बेंजीन, तो इसको बोलेंगे डाया एजो बेंजीन। तो आप ध्यान से देखिए, अगर अपन डाउन प्रोडक्ट का, इस प्रोडक्ट का अगर नॉमिनिक्लेचर करेंगे, तो देखो ये मैच करो यहां से यहां तक, तो इसको डाया एजो बेंजीन ही बोलेंगे, और पैरा पोजीशन है ये, तो पैरा पोजीशन वाले को क्या बोल देंगे, पैरा हाइड्रोक्सी, क्या बोल देंगे, पैरा हाइड्रोक्सी, और बाकी वो नाम एज इट इज आ जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी डाया एजो बेंजीन। अब यहां पे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, ये जो कॉम्प्लेक्स बेसिक मीडियम में जो होता है ये आपको ऑरेंज डाई देगा, कैसी देगा, ऑरेंज डाई, और ऑरेंज डाई इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। ये प्राइमरी एमीन्स के लिए भी यूज, क्योंकि खुद भी प्राइमरी एमीन से बनता है, तो अगर हम इससे पहले एनिलिन का भी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है ये ऑरेंज डाई। अब इसके याद रखने की ट्रिक क्या है, तो देखो फिनॉल होता है तो फिनॉल में ओ आता है, क्या आता है, OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप के ओ से याद रखना O4 ऑरेंज डाई, O4 ऑरेंज डाई। अब जो सेकेंड रिएक्शन है स्टूडेंट्स इसके अंदर वो है एनिलिन के साथ में, बस जहां आपका फिनॉल है वहां पे एनिलिन, बाकी सारी चीज सेम कैरी करेगी, यानी कि यह आपका हो गया कोवेलेंट फॉर्म में डायाजोनियम
और इसकी रिएक्शन आप एनिलीन से करा दीजिए, ठीक है। वही सेम बेसिक मीडियम के अंदर ले लेंगे और ये आपका HCl इसमें से आउट हो जाएगा। तो आंसर सोचिए क्या बनेगा इसके अंदर, ये आपका आंसर आ जाएगा उसी तरह से डाया एन डबल बॉन्ड एन, ओके। और ये आपकी फॉर्म होगी डायसो और यहां पे पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगी NH2। तो वापस से नाम रिकॉल करिए, डायसो बेंजीन तो ये है ही स्टूडेंट्स, और इसके अंदर जब नाम लिखेंगे तो पैरा पोजीशन पे एमिनो ग्रुप को लिख देंगे। तो ये इसकी पैरा पोजीशन हो गई एमिनो की, तो इसको पहले लिख देंगे पैरा अमीनो और बाकी नाम वही रहेगा डाया एजो बेंजीन, ठीक है। पैरा हो गया। अब इसके बाद में वही सेम चीज इसमें जो स्टूडेंट्स आपका डाइजो बनेगा वो येलो डाई होगी। तो एक को याद रख लीजिए, दूसरा बचा हुआ अपना आप येलो हो गया। तो ओ फिनॉल में ओ से याद रख लेना ऑरेंज डाई, ठीक है। और इसमें बन जाएगा आपका येलो डाई। और ये डाइजोनियम सॉल्ट का आइडेंटिफिकेशन भी या एनिलीन से अगर स्टार्ट करें तो भी आपका येलो डाई तक आ जाएगा। तो ये थी आपकी सारी डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन स्टूडेंट्स। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा टॉपिक है डाइजोनियम सॉल्ट जो जितने भी एरोमेटिक कन्वर्जेंस होते हैं उनमें बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करके याद करिए। जेई नीट में भी जितने भी जेई कन्वर्जन क्वेश्चंस होते हैं उसमें इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। सो रिमेंबर इट परफेक्टली, थैंक यू स्टूडेंट्स। अब अपन चैप्टर के एंड में डाइजोनियम सॉल्ट के बाद, जैसे पूरा चैप्टर आपका अमाइंस एंड डाइजोनियम सॉल्ट है, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं किस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशन और बोर्ड में आएंगे जिसमें एबीसीडी को फुलफिल कैसे करें। जैसे क्वेश्चन देखिए CH3CH2I, इसकी रिएक्शन NaCN से कराते हैं। तो NaCN को Na plus CN minus न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो NaI आपका बाई प्रोडक्ट हो गया, तो ये CN यहां पे प्लेस हो गया, यानी कि नाउ A की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो A इक्वल्स टू CH3CH2CN, ठीक है। अब इसका क्या करना है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। एक स्टोरी पक्का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, साइनाइड के केस में तीन फेमस रिएक्शन है जो कभी मत भूलिएगा। साइनाइड का कभी भी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस एग्जाम में लिखा आ जाए, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस यानी कि वन मोल वाटर, तो हमेशा उसका आंसर अमाइड होगा स्टूडेंट्स। इसी तरह से साइनाइड का अगर फुल हाइड्रोलाइसिस लिखा आ जाता है एसिड कैटालाइटिक H+, तो ये हमेशा आपका आंसर कार्बो ऑक्सैलिक एसिड होगा। और इसी तरह से अगर साइनाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में आप रिडक्शन करते हैं तो इसका आंसर हमेशा प्राइमरी अमाइंस होगा, ये याद कर लीजिए। तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट, अब देखो जैसे आपका साइनाइड आ गया, क्या लिखा हुआ है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में क्या आंसर होना चाहिए, अमाइड, यानी कि आपका ये जो ग्रुप है ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे सो नाउ बी इक्वल्स टू, बी का आंसर क्या होगा, इसमें चेंज आ जाएगा CH3CH2 और फिर आपकी CONH2, ये CONH2 आ जाएंगे, ठीक है, बी हो गया। अब आ जाइए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए NaOHBr कहीं पे भी लिखा है तो इसका मतलब, और उसके पहले वाला जो रिएक्टेंट है अगर वो अमाइड है तो आप समझ लीजिएगा हाफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हुई है। तो इसको याद रखिएगा, हाफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हुई, यानी कि उसके प्रीवियस वाला अमाइड होना चाहिए और एरो के ऊपर अगर NaOH और Br2 आता है तो इसका मतलब हाफमान ब्रोमाइड। और आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हाफमान ब्रोमाइड में आप सिर्फ क्या होता है कि CO ग्रुप जो होता है वो आउट हो जाता है K2CO3 की फॉर्म में या Na2CO3 की फॉर्म में। तो कन्वर्जन में बच्चों आपको बाई प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देना, आपको मेन चीज जो है वो मिल रही बस उसी पे। अपन को पता ये चीज आउट होती है हाफमान ब्रोमाइड में, तो सीधा सीधा इसको आउट करके C की वैल्यू लिख दीजिए CH3CH2
NH2, ये आपकी 1 डिग्री और N माइनस 1 होता है, ये कार्बन कम मिलेगा 1 डिग्री अमाइन। तो ये आपके ABCD के क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होंगे। साइनाइड बहुत ही फेमस है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं लंच ब्रेकफास्ट, इसमें ऐसे लिखिए ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। ब्रेकफास्ट मतलब कम, ठीक है, तो कम का मतलब पार्शियल, तो इसीलिए वो अमाइड याद रख लीजिए। लंच मतलब फुल, फुल खाते हैं अपन लंच में, तो यहाँ फुल में हमेशा एसिड बनेगा, और डिनर में वो हमेशा प्राइमरी अमाइन, फिश जैसी स्मेल होती तो फिश नॉनवेज टाइप हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसके अंदर आपकी प्राइमरी अमाइन हो जाएगी। तो ये ट्रिक है एक, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, ब्रेकफास्ट अमाइड लंच कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डिनर इज प्राइमरी अमाइन CH2NH2। ये अमाइड्स के लिए वेरी फेमस रिएक्शन है जो परमानेंट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ओके। सो दिस इज क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप अपन, कैसे कन्वर्जन में ABCD के आंसर्स कैसे निकाले, बहुत इजी। सबसे पहले आप रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करिए, C6H5N2Cl, बहुत जाना पहचाना आपका रिएक्टेंट है, तो इसको सबसे पहले C6H5 यानी कि फिनाइल ग्रुप को ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। फिर इसके ऊपर क्या लगाना, जैसे ही आप N2Cl लगाएंगे तो आप आइडेंटिफाई कर देंगे दिस इज डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है। और आपको याद होगा डायजोनियम सॉल्ट की सारे चार्ट में रिएक्शन आई थी, डिकम्पोज होते ही नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। अब इसकी रिएक्शन अपन को किससे करानी है, CuCN से, है ना। अब NaCN हो चाहे KCN हो चाहे कोई भी हो, इसमें से ये तीनों में से आंसर एक जैसा ही रहेगा, यानी कि जैसे ही इसको हीट करेंगे अपन तो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, और ये जो Cl होगा वो आपके प्लस कंपोनेंट के साथ चला जाएगा, यानी कि हमको क्या मिलेगी, साइनोबेंजीन। तो ये आपका B=साइनोबेंजीन हो गया, A=साइनोबेंजीन। अब देखिए, ये मैंने कहा था आपसे H2O विद एसिड कैटालाइटिक है, इसका मतलब फुल हाइड्रोलाइसिस होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर OH विद पार्शियल होता है तो उसको अपन अमाइड मानेंगे, और अगर फुल एसिड विद कैटालाइटिक है तो फुल हाइड्रोलाइसिस, यानी कि हमारा जो बी होगा स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कि साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस अमाइड देता है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हमेशा अमाइड देता है स्टूडेंट्स, जो बेसिक मीडियम लाइटली, और ये जो होता है H2O फुल हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में, तो ये कार्बो ऑक्सैलिक एसिड देती है। फिर से याद कर लीजिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में प्राइमरी अमाइंस आती है, तो ये स्टूडेंट्स आपका साइनाइड का रिएक्शन परमानेंट। तो अब कौन सा लेना अपन को, फुल हाइड्रोलाइसिस, जब भी एसिड कैटालाइटिक हो तो हाइड्रोलाइसिस तो हमेशा आंसर, तो इसीलिए बी का आंसर बेंजोइक एसिड हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये बेंजोइक एसिड आ गया, ठीक है। अब इस बेंजोइक एसिड की रिएक्शन किससे करानी है, अमोनिया। अमोनिया किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का, और ये जो कार्बो ऑक्सैलिक एसिड होता है ये आयोनाइज्ड फॉर्म में आ जाएगा, और ये आपके लॉन पेयर इसको ले लेंगे तो आपका एक सॉल्ट फॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है, अमोनियम बेंजोएट फॉर्म आ जाएगी आपकी CONH4+-। फिर नीचे क्या लिखा, वापस डेल्टा, डेल्टा का मतलब इसको हीट करना, और हीट में से 1 मोल वाटर निकाल दीजिए, तो 1 मोल का मतलब 2H निकल जाएंगे, 1 O निकल जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया, बेंजामाइट। क्या आंसर हो जाएगा, CONH2। आगे फिर हम इसकी हाफमान ब्रोमाइड वगैरह कोई भी कन्वर्जन और सोच सकते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी यहां तक ही है। तो आंसर का फाइनल कंक्लूजन, A=साइनोबेंजीन, B=बेंजोइक एसिड एंड C=बेंजामाइट। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, अलग अलग अगर चीजें हैं तो दोनों के कन्वर्जन के बाद जो फाइनल आंसर होगा वही फाइनल प्रोडक्ट माना जाएगा। यस स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी ABC कन्वर्जन कैसे होगा, तो वापस से रिएक्टेंट देखिए कौन दे रखा, एल्काइल हैलाइड यानी कि इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन। इसकी रिएक्शन अपन को KCN से करानी, KCN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। बाई पार्ट कन्वर्जन में बाई पार्ट पे ध्यान मत, मेन पार्ट पे ध्यान दीजिए। तो मेन में साइनाइड सब्स्टिट्यूट हो गया, तो A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, CH3CH2CN, ठीक है, इसीलिए मेन पार्ट की मार्क्स है या मेन प्रोडक्ट ही आपका फाइनल ऑप्शन बनेगा।
अब आप देखिए आगे क्या लिखा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब याद करो साइनाइड की मैंने तीन रिएक्शन बताई थी आपको, कौन कौन सी, ब्रेकफास्ट अमाइन, लंच के अंदर क्या था कार्बोक्सिलिक एसिड, और लास्ट थी डिनर रिडक्शन प्राइमरी अमाइन CH2NH2। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रिडक्शन यानी कि साइनाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे CH2NH2। तो ये आपका बी का आंसर हो जाएगा CH3CH2, और ये सी भी आपका CH2 और ये NH2। तो ये 1 डिग्री अमाइन आ गई। ठीक है ना, अब यहां पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये जनरली लिखा हुआ नहीं आता अभी जैसे दे दिया गया आपको, क्योंकि ये अनस्टेबल होता, इसकी जगह मोस्टली आपको जैसे डायजोनियम सोल्ट में भी आपने देखा था NaNO2 विद HCl लिखा आता है, इसका मीनिंग NaCl निकल करके ये बनेगा, और टेम्परेचर कभी भी जब 0 डिग्री दे रखा हो स्टूडेंट्स, ठीक है 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमेशा डायजोनियम सॉल्ट होगा। लेकिन यहां पे डायजोनियम सॉल्ट तो बनेगा, ये सब कुछ सही है कि ये आपका जो लास्ट होगा वो N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, बट इसमें इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट है तो हम उसमें लिखेंगे। तो ये आपका एलिफेटिक, कैसा, एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट बनेगा, जो अपने इस चैप्टर में डिस्कस भी किया कि एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट हाईली अनस्टेबल होते हैं क्योंकि इनके पास अब्सेंस ऑफ रेजोनेंस होती है। लेकिन अभी अगर हमें सी की वैल्यू पूछेंगे तो हम कहेंगे इससे डायजोनियम सॉल्ट। ये स्टूडेंट्स, अब अपन फिर से कन्वर्जन का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। आपको इसमें ABCD आइडेंटिफाई करके बताने हैं क्या क्या आंसर्स पॉसिबल है। ऑप्शंस के अंदर कंपटीशन में कोई भी पूछ सकते हैं, A की वैल्यू, B की वैल्यू, या पर्टिकुलर, या ऑल, या लास्ट प्रोडक्ट। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा, C6H5 जब भी लिखा है बच्चों, तो सबसे पहले फिनाइल ग्रुप को बेंजीन का एक डैश, ये फिनाइल रेडी हो गई यानी कि C6H5, इसके ऊपर क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, NO2। तो बताइए ये कौन सा रिएक्टेंट रेडी हो गया, नाइट्रोबेंजीन। और बच्चों जब कभी भी नाइट्रोबेंजीन दिमाग में आ जाता है तो साइनाइड की तरह इसकी भी 3 फिक्स रिएक्शन है अलग अलग मीडियम के अंदर, और ये परमानेंट याद रखिए, नाइट्रोबेंजीन का एसिडिक मीडियम में रिडक्शन, ठीक है, जहां पे आप 3HCl ले सकते हैं, नहीं तो उसकी जगह एक और नया कैटलिस्ट है जिसका नाम है आयरन, और करके लिख दीजिए Fe, इसको बोलते स्क्रैप, आयरन स्क्रैप्स ले सकते हैं, दोनों ही 6H सप्लाई करते हैं, इसीलिए इस केस में हमेशा आपकी नाइट्रोबेंजीन डायरेक्ट एंड एरोमेटिक अमाइंस में कन्वर्ट होती है। इसकी जगह अगर आप बच्चों न्यूट्रल मीडियम लेंगे NH4 विद जिंक, तो आंसर हमेशा नाइट्रोसोबेंजीन हो जाएगा, और नेक्स्ट में नाइट्रोसोबेंजीन से आगे एक रिडक्शन क्योंकि 4H है, नाइट्रोसोबेंजीन के पास एक बार और इसका क्योंकि 4H तक जाएगा, तो इसको बोलेंगे N फिनाइल हाइड्रोक्साइलामाइन, और सिर्फ बेसिक मीडियम विद जिंक होता है तो 2H, यानी कि आंसर जो है वो नाइट्रोसोबेंजीन पे। तो साइनाइड हुए, नाइट्रोबेंजीन हुए, इन सब के परमानेंट याद रखिए क्योंकि बहुत यूज होते हैं कन्वर्जन के अंदर, कॉम्पिटिशंस के अंदर। नाइट्रोबेंजीन का देखिए बच्चों FeHCl, इसका मतलब 6H सप्लाई होगा, और 6H जहां सप्लाई होता है वो एसिडिक मीडियम, और फॉर्मेशन क्या आ जाएगा, एनिलीन। इसका मतलब यहां पे हमारा आंसर A जो होगा वो जो फर्स्ट रिएक्शन आपको दिख रही है तो ये यहां पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, एनिलीन। और जैसे ही बच्चों एनिलीन दिमाग में आता है, जैसे नाइट्रोबेंजीन का आते ही आपके दिमाग में ये आ गया, एनिलीन कभी भी दिमाग में आता है बच्चों तो ये तो इतना तो ध्यान रखिएगा ही रखिएगा कि एनिलीन मतलब आपको डायजोनियम सॉल्ट में जाना पड़ सकता है, ये अपन को दिमाग में एकदम फिट करके रखना मोस्टली है ना, मोस्टली। फिर भी आगे की कंडीशंस देख लीजिए, लेकिन ये तो नहीं, जैसे नाइट्रोबेंजीन आएगा तो एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, बेसिक मीडियम में क्या क्या बनेगा, परमानेंट याद है। जैसे इससे पहले मैंने आपको कहा था साइनाइड में 3 है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, अमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड और प्राइमरी अमाइंस, इसी तरह से नाइट्रोबेंजीन में भी याद रखिए एसिडिक मीडियम एनिलीन, ओके, आपका न्यूट्रल मीडियम एनफिनाइल हाइड्रोक्साइलामाइन, बेसिक मीडियम नाइट्रोसोबेंजीन, इसी तरह जैसे ही एनिलीन आए दिमाग में रखो साइ डायजोनियम सॉल्ट बन सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा आपकी नजर जहां पे जानी चाहिए वो है एरो पे क्या लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
अगर डाइजोनियम सॉल्ट बनना होगा तो इधर 100% एनिलीन होगी और सामने हमेशा बच्चों कैटलिस्ट में NaNO2 और HCl लिखा होगा और वेरी फेमस टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में लिखेंगे तो 273 और 5 ऐड कर दीजिए 278 केल्विन। ऐसा कहीं भी लिखा हो तो पूरी ऑर्गेनिक में हमेशा डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। तो देखिए एनिलीन आ गई, ये रहा आपका देखो NaNO2 HCl 273 केल्विन, जो कंडीशन हमें चाहिए थी बच्चों वो मैच हो रही है। इसका मतलब हमारा जो बी है ये कंफर्म डाइजोनियम सॉल्ट है। तो इसीलिए जो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई वो हो गई बेंजीन और बेंजीन के साथ N2Cl। ओके, अब यहां पे क्या लिखा हुआ देखो ध्यान से, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस जब अपन एसिड कैटालिटिक हाइड, वही सेम कंपोजिशन हो जाएगा, HCl निकल जाएगा और आपको OH मिल जाएगा, वाटर H प्लस और OH माइनस में, तो ये HCl निकल गया तो OH रिमेन्स बचेगा, यानी कि आंसर इज फिनॉल। यस स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए स्टूडेंट, मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से भी रिएक्टेंट आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या लिख दिया, C2H4O2। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपका ध्यान मेन फंक्शनल ग्रुप में देखिए, ऐसा कौन हो सकता है जो 2 ऑक्सीजन कंटेंट होता है, और पूरे मेन फंक्शनल ग्रुप में जब आप देखेंगे 2 ऑक्सीजन कंटेंट कौन है तो आपको नजर आएगा कार्बोऑक्सैलिक एसिड एंड ईस्टर, इन दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, तो आप देखो जब कभी भी, जब इतना आपको आइडिया हो गया कि वो कार्बोऑक्सैलिक एसिड या ईस्टर हो सकता है और एरो के ऊपर क्या लिखा आ रहा, अमोनिया, तो अमोनिया से मोस्टली सॉल्ट बनने वाला एसिड है, इसीलिए यहां पे आप प्रिलिमिनरी लेवल पे क्या सोच सकते हैं, एसिड। तो सबसे पहले 2 कार्बन बना दीजिए, ठीक है, और 1 को एसिड ग्रुप बना दीजिए। अब रिमेन्स कितनी हाइड्रोजन बची, 3, तो ये आपका एसिटिक एसिड होगा। अब देखते हैं आगे रिएक्शंस के अंदर, तो ये एसिटिक एसिड डिक्लेयर हो गया A=acetic acid बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसकी रिएक्शन किससे करानी, अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, बेस, तो बेस जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा, तो ये आ जाएगा आपका अमोनियम एसिड। ये कन्वर्जन का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स में आता है बच्चों, ठीक है, तो ये आ जाएगा अमोनियम एसिटेट। अब Δ1 अगर आप थोड़ा हीट करेंगे तो इसमें सिर्फ 1 वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो देखो 2H यहां से निकाल दीजिए, 1 O निकाल दीजिए, तो पीछे क्या बचेगा, CONH2, तो ये आपका C का आंसर हो जाएगा, CH3CONH2। फिर अगर थोड़ा एक्सेस हीट करेंगे तो फिर से स्टूडेंट्स आपका वाटर आउट हो जाएगा, 2H और O, तो सोचिए गैस करो अगला क्या हो सकता है, साइनाइड, और साइनाइड का फिर और बहुत सारे कन्वर्जन हो सकते हैं, ठीक है, अमाइड बना सकते हैं, एसिड बना सकते हैं वापस से, और प्राइमरी अमाइंस भी बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कंडीशन गिवन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे इस चैप्टर के एंड में जो एबीसीडी क्वेश्चंस है वो इस तरह से प्रैक्टिस किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, थैंक यू।